Hello, everyone. Welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. In this lecture, we will study multidimensional poverty index. It is developed by United Nations Development Programme (UNDP) and Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHDI). It does not measure poverty in terms of in monetary terms. Rather, it measures poverty on the basis of deprivations of household in respect of various basic amenities. now, poverty estimates, like Rajan Committee, Tendulkar Committee, or World Bank International Poverty Line. They all were somewhere. बेस्ड सोलली ऑन द monetary वैल्यू सिर्फ पैसों के बेसिस पे एक पॉवर्टी लाइन बना दी और उसके नीचे जो भी हैं उस पॉवर्टी लाइन से नीचे जो भी कमा रहे हैं per person, per day, However, पर पर्सन पर डे दे आर पुअर हावेवर पॉवर्टी इज़ द डेप्रिवेन ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज ऑफ लाइफ मान लीजिए कोई व्यक्ति चालीस रुपये पर डे कमा रहा है लेकिन वो फुटपाथ पर सो रहा है तो क्या वो पुअर नहीं होगा वो पुअर होगा देरफो पॉवर्टी शुड बी मेजर नॉट इन मोनिट्री टर्म्स बट इन टर्म्स ऑफ डेप्रीवेशनस

एंड मॉनेटरी मेजर ऑफ पॉवर्टी दोनों पर ही ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी है इट डज़ नॉट कैप्चर द पॉवर्टी एंड इश्यूज़ अराइजिंग आउट ऑफ इट इन टोटेलिटी अगर आप किसी पुअर व्यक्ति से पूछो कि भाई आपको क्यों लगता है आप पोअर हो वो ये नहीं कहेगा कि मैं बत्तीस रुपये से कम कमाता हूँ इसलिए मैं पुअर वो ऐसे डिस्क्राइब करे कि मेरे पास छत नहीं है मेरे को अच्छा खाने को नहीं मिलता मेरे पास पीने का साफ़ पानी नहीं है या फिर मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है देर फोर पुअर पीपल डिस्क्राइब देअ एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी एज मल्टी डायमेंशनल देर फॉर इट बिकम्स इम्पेरेटिव दैट पॉवर्टी शुड बी कैप्चर्ड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग विच इज डन बाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाई यू एन डी पी एंड ओ पी एच डी आई एम पी आई जो है वो तीन डायमेंशन को मेजर करता है बाई यूजिंग टेन इंडिकेटर्स और इन इंडिकेट इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डेप्रीवेशन यूज़ की जाती हैं चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेट टेक द फर्स्ट डायमेंशन हेल्थ हेल्थ के दो इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन को मेजर करने के लिए क्या डेप्रीवेशन यूज़ की जाएगी अगर कोई आदमी सत्तर साल से कम का है और जिसका न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन या डेटा अवेलेबल है और एंड ही और शी इज़ अंडर नरिश्ड तो

इट वॉज़ नॉट पर हाउस होल्ड पर डे इट वॉज़ पर पर्सन पर डे और एम पी आई के अंदर हम हाउस होल्ड को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मोटैलिटी के लिए घर में जाएंगे और पूछेंगे वैदर अ चाइल्ड अंडर एटीन ईयर्स ऑफ एज हेज़ डाइड इन द हाउस होल्ड इन द पास्ट फाइव ईयर क्या पिछले पाँच साल में कोई बच्चा जिसकी उम्र अठारह साल से कम है आपके हाउस होल्ड में क्या ऐसी कोई मोर्टेलिटी हुई है उसके बेसिस पे ये इंडिकेटर डिसाइड किया जाएगा द इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एजुकेशन की डायमेंशन को मेजर करने के लिए भी दो इंडिकेटर्स हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या है नो एलिजिबल हाउस होल्ड मेम्बर हैज़ कम्पिटेड सिक्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग तो उस घर के किसी भी इंसान ने सिक्स स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की है अगर एक भी व्यक्ति ने सिक्स ईयर्स या उससे ज़्यादा की स्कूलिंग कर रखी है तो उसको डिप्राइव नहीं माना जाएगा इसी तरह स्कूल अटेंडेंस की डिप्राइवेशन ऐसे मेजर की जाती है एनी स्कूल एज चिल्ड्रन इज़ नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज एट विच ही और शी वुड हैव कम्प्लीटेड क्लास एट्थ यदि कोई बच्चा अपनी एज के अनुसार क्लास एट्थ या उससे नीचे की क्लास के अंदर एनरोल होना चाहिए स्कूल के अंदर लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहा है दैन दैट हाउस होल्ड विल बी टर्मड एज डिप्राइवड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इसे फिर से समझते हैं मान लीजिए कोई कक, कोई बच्चा है उसे अपनी उम्र के हिसाब से कक्षा छः में होना चाहिए क्लास सेवन्थ में होना चाहिए या फिर क्लास एट्थ में होना चाहिए बट वो स्कूल में नहीं जा रहा है देन दैट हाउस होल्ड विल बी टर्म्ड एज डिप्राइब्ड ऑन दी डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इसी तरह जो लिविंग स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसको जो उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं कुकिंग ऑयल सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउसिंग एंड एसेट्स अगर कोई हाउस होल्ड डर्टी सॉलिड फ्यूल यूज़ कर रहा है सच सचैस काउडंग एग्रीकल्चर क्रॉप या फिर वुड चारकोल कोल एट्सट्रा दैन इट विल बी टर्म्ड एज डिप्राइव्ड इसी तरह से सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है अगर है तो दूसरे हाउस होल्ड्स के साथ शेयर की जा रही है या फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है लोगों को दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है देन दैट हाउस होल्ड विल बी टर्म्ड एज़ डिप्राइव्ड अगर किसी हाउस होल्ड में इनएडिकुट हाउसिंग मटीरियल है या तो वो फ्लोर पे है या फिर छत पे है या फिर वॉल्स पे फॉर एग्ज़ाम्पल कच्चा फ्लोर है या फिर कच्चा आ, कच्ची छत है उस हाउस की या फिर दीवारें जो हैं वो भी सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट इन एडूकुएट हाउसिंग मटीरियल का यूज़ किया गया है देन दैट हाउस विल बी टर्म्ड एज़ डिप्राइव्ड इफ़ द हाउस होल्ड डज नॉट ओन मोर दैन वन ऑफ द ऑफ दिज एसेट्स रेडियो टी वी टेलीफोन कंप्यूटर एनिमल कार्ट बाइसिकल मोटरसाइकल और रेफ्रिजरेटर एंड डज नॉट ओन अ कार और ए ट्रक तो इसमें दो कंडीशन है पहला कार और ट्रक नहीं होना चाहिए दूसरा जो है इन सब के इसमें एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक से ज़्यादा रेडियो नहीं हो टी वी टेलीफोन कंप्यूटर एट्सेट्रा एक से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए साथ ही साथ कार और ट्रक नहीं होना चाहिए सो दिस मेजर्स द एसेट्स विच इज़ अ इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अ हाउस होल्ड इज मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ इट इज डिप्राइव्ड इन वन थर्ड और मोर ऑफ द टेन इंडिकेटर्स तो हर एक इंडिकेटर को जीरो से वन के स्कोप मेजर किया जाता है जीरो मतलब कोई डेप्रीवेशन नहीं है वन मतलब फुल डेप्रीवेशन है और इन दस इंडिकेटर्स में से वन थर्ड या फिर ज़्यादा में अगर डेप्रीवेशन पाई जाती है दैन डेट हाउस होल्ड इज टर्म्ड एज मल्टी डायमेंशनली पुअर द हाउस होल्ड्स हुआ डिप्राइड इन वन हाफ़ और मोर ऑफ द टेन इंडिकेटर्स आर कंसिडर्ड लिविंग इन एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर पाँच या उससे ज़्यादा इंडिकेटर्स में डिप्रिशंस आती है देखने को मिलती है तो उस हाउस होल्ड को एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनली पुअर हाउस होल्ड बोलेंगे इंडिया आरज रैंक इन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी वो सिक्सटी टू जो ग्लोबल एम रिपोर्ट थी 2020 की इट वाज़ बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ 2015 2015-16। हमारा जो लेटेस्ट डेटा है वो 2015-16 का ही है और इसी डेटा के बेस पे ये जो एम 2020 रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की गई थी और इंडिया की रैंक इसमें 62 आई जो कि काफ़ी पीछे है एंड इंडिया के अंदर ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वॉज मल्टी डायमेंशनली पुअर द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज़ ऑलमोस्ट हाफ बिटवी टू थाउजेंड फाइव सिक्स एंड टू थाउजेंड फिफ्टी सिक्सटीन क्लाइम्बिंग डाउन टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन परसेंटेज फ्राम फिफ्टी फाइव परसेंटेज अगर हम दो हजार पाँच छः का डाटा लेते हैं जो इंडिया का डेटा अवेलेबल है और उस multi, पर मल्टी उसके बेसिस पर एम पी आई कैलकुलेट करते हैं देन इट केम टू अराउंड फिफ्टी फाइव परसेंटेज मतलब फ़िफ्टी फाइव परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज पुअर मल्टी डायमेंशन पोर इन टू थाउजेंड फाइव सिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन डेटा इट के एम टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन परसेंटेज तो इंडिया की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो फिगर है इट रिड्यूज ऑलमोस्ट हाफ फ्राम फिफ्टी फाइव परसेंटेज टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन परसेंटेज विच इज़ एन अचीवमेंट जैसा कि हमने पहले स्टडी किया कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन सुरेश तेंदुलकर कमिटी सो वॉट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन सुरेश तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन एंड द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सुरेश तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन इज़ यूनिक डायमेंशनल इन नेचर एज़ इट मेजर्स पॉवर्टी ओनली ऑन मोनिट्री बेसिस तो तेंदुलकर कमेटी के अनुसार सिर्फ एक पैसों के आधार पर एक पॉवर्टी लाइन बना दी गई है फॉर एग्जाम्पल इन टू थाउजेंड इलेवन टवेल्व पावर्टी लाइन वॉज रुपीज़ थर्टी टू जो थर्टी टू रुपीज़ के नीचे होंगे वो पुअर होंगे और जो थर्टी रुपीज़ के ऊपर होंगे वो पुअर नहीं होंगे सो बहुत ही सिर्फ एक ही डायमेंशन यूज़ की वो थी पैसों की डायमेंशन मोनिट्री डायमेंशन एम जो है वो मल्टी डायमेंशनल है ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन यूज़ करता है इट इज़ बेस्ड ऑन थ्री डायमेंशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तेंदुलकर कमिटी पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द एजम्पन दैट मनी विल एंश्योर ऑल बेसिक नेसेसिटीज़ दे फोर तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द एज्पन कि अगर कोई व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा कमा रहा है दैट मीन्स कि उसके पास इदफ़ पैसे हैं जिससे कि वो अपनी ऑल बेसिक एमटीज़ फुलफिल कर पा रहा है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है जबकि जो एम है इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सेस टू द बेसिक कम्यूनिटीज़ हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है एक्चुअली पूछा जाता है कि भाई आपके पास ये अम्यूनिटीज़ है कि नहीं है आपके पास कितने टी वी हैं कितने फ्रिज हैं आपके यहाँ कितने एजुकेटेड लोग हैं कितने अंडर नरिश लोग हैं तो एक्चुअल एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज़ के बेसिस पे ही एम पी आई कैलकुलेट किया जाता है जबकि तेंदुलकर कमेटी के अंदर इट वॉज अज्यूम कि जो भी मिनिमम पैसा कमा रहा होगा या उससे ज़्यादा कमा रहा होगा उसके पास उस सारी की सारी बेसिक एबिलिटीज़ तो उसको मिली जाएंगी उस पैसों के थ्रू दे फोर वी कैन कंक्लूड दैट एम पी आई इज़ अ बेटर मेजर ऑफ पॉवर्टी देन द मॉनीटरी मेजर्स ऑफ पॉवर्टी सच एज तेंदुलकर कमेटी जब एम पी आई इज़ अ बेटर मेजर देन वाई इंडिया इज़ नॉट कैलकुलेटिंग एम पी आई एंड इट इज स्टिल यूजिंग मॉनिटरी मेजर्स ऑफ पॉवर्टी लाइन तो इसके पीछे जो दो इंपॉर्टेंट रीजन है फर्स्ट इज द प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स एम कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स पे हमें डायमेंशन चाहिए और उसके लिए ह्यूज डेटा चाहिए एंड टू कलेक्ट एंड मैनेज दिस डेटा वी विल रिक्वायर मोर मैन पावर मोर डेटा एनालिसिस दैट विल मेक द होल प्रोसेस वेरी कॉम्प्लेक्स सेकेंड थिंग इज द सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी इन द सेलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स एंड देयर थ्रेश फ़ॉर एग्जाम्पल एम जो है वो तो दस इंडिकेटर्स यूज़ करता है बट इंडिया जब खुद का एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाएगा तो उसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स लेने हैं एज़ पर द इंडियन सिचुएशन फॉर एग्ज़ाम्पल यू के जो एम पी आई इंडेक्स है उसके अंदर ये बात करता है डज नॉट ओन अ कार और अ ट्रक सो दिस डायमेंशन डजर्ट मेक मच सेंस इन इंडिया इंडिया में कार और ट्रक का तो एग्जाम्पल ही नहीं होता ट्रक की क्या ज़रूरत है भाई तो इसी तरह इंडिया को खुद के इंडिकेटर्स बनाने पड़ेंगे और उन इंडिकेटर्स पे डेप्रीवेशन कैलकुलेट करने के लिए नए थ्रेश भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे देन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दीज इंडिकेटर्स एंड देर थ्रेश होल्ड इज़ ए सब्जेक्टिव प्रोसेस सो देफो दीज आर कंस्ट्रेंट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम पी आई इन इंडिया हाव एवर इन फ्यूचर इट इज़ वेरी मच लाइकली दैट इंडिया विल कम आउट विद इट्स ओन एम पी आई इंडेक्स some state go governments, in fact, have started calculating their mpi. for example, andhra pradesh, in collabor collaboration with oxford poverty and human development initiative, OPHDI is the first state in india to estimate mpi at state and district level. so andhra pradesh has already mpi measurement at state and district level started. Di so other states may also follow the suit. so let us study the causes of poverty. द काजेज आर सिमिलर टू द कॉजेज ऑफ़ इन इक्वालिटी जो कि हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल स्कैसिटी ऑफ कैपिटल एंड अनएम्प्लॉयमेंट डिफ्रेंसिज इन ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड वेल्थ तो इसके लिए आप प्लीज रेफर इनक्वालिटी लेक्चर्स इसमें डिटेल में कवर किया गया है ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो रीजन फॉर द पॉवर्टी अगर जॉब ही नहीं होगी तो फिर आदमी पुअर ही रहेगा आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन ग्रेटर डिटेल इन द सबसिक्वेंट लेक्चर्स अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर पॉवर्टी इज़ द लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जो मैक्सिम पॉवर्टी है वो रूरल एरियाज के अंदर देखी गई है रूरल एरियाज में ज़्यादा पुअर हैं इन कंपेरजन टू अर्बन एरियाज एंड इन रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज़ शोन लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स की सिचुएशन तो कंपेटिटिवली फिर भी थोड़ी ठीक है बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेंट्रल इंडिया इन एरियाज़ में हम फार्मर्स को देखें तो देयर कंडीशन इज़ फार वर्स अगर हमें पॉवर्टी एलिवेट करनी है तो हमें रूरल एरियाज़ में फोकस करना पड़ेगा और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टि प्रोडक्टिविटी बढ़े और एग्रीकल्चरल फार्मर्स इनकम जो है वो बढ़े सो वॉट आर द गवर्नमेंट मेजर्स टू एलिमिनेट पॉवर्टी दीज आर सिमिलर टू द मेजर्स टू रिमूव इनिकवलिटीज जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ फॉर एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म्स पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेज एम जी नरेगा सो प्लीज़ रेफर द प्रीवियस लेक्चर आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज थिंग अगेन इट विल वेस्ट यूर प्रेसियस टाइम द नेक्स्ट थिंग इज द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एज आई डिस्कसड अर्लियर एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट पॉवर्टी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हम ग्रेटर डिटेल में पढ़ेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स नाउ दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऑल दो इंडिया हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस बट अगर सभी पर्सन्स uh, को इन्श्योर कर दिया जाए कि उनको कुछ एक बेसिक इनकम मिलेगी ही मिलेगी तो ऐसा करने से पॉवर्टी जो है वो इमीडिएटली एलिमिनेट हो जाएगी बट इसमें चैलेंजेस ये हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए पैसा कहाँ से लाएगी इसको फाइनेंस कैसे करेगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड गवर्नमेंट मेजर्स टू एलिमिनेट पॉवर्टी